हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज है धनतेरस और आज देखिए मेरी कौन आए हमारे घर में, और मेरी ये आए हैं मेरी नंद मिलिए, ये मेरी दूसरे नंबर की नंद है। हाय। देखिए कितनी सुंदर है ना। हाँ, बुढ़ी हूँ। मैं बुढ़ी नहीं है, मुझे सुंदर है। तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता और इनके लिए, तो चलिए आइए मिलाती हूँ आप। तो देखिए अभी मैं बना रही हूँ दीदी के लिए, ये जलेबी आए हुए हैं। और देखिए श्रीराम से उधर से बन कर रहा है, ड्राइंग रूम से बैठा है। बना रही हूँ मैं पकौड़ियाँ, देखिए पकौड़ियाँ बना लो। और इधर बन रही है चाय, अभी करते हैं रेडी, अभी मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे। देखिए यहाँ पर बन रही है पकौड़ियाँ और इधर बन रही है चाय। तो अभी मैं उनके लिए चाय, दीदी जीजा जी के लिए चाय डाल रही हूँ। सॉरी, गले में परेशानी हो रही है, तबीयत ख़राब है, ठीक नहीं है, तो इसलिए अभी वो ये वीडियो बहुत लेट जाएगी क्योंकि मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी। और ये धनतेरस की वीडियो है जो कि मैं नहीं डाल पाई बिल्कुल भी, तो अब डाल रही हूँ। सॉरी वीडियो लेट आने के लिए। और अभी दीदी जीजा जी के लिए मैं नाश्ता पकौड़ियाँ बनाई थी तो वो डाल रही हूँ। ये देखिए मेरी पकौड़ी बनकर रेडी हो गई है और चाय भी हो गई रेडी। तो जीजा जी दीदी को नाश्ता दे देती हूँ। जी, मैंने सिर पे पल्लू रखा हुआ है क्योंकि जीजा जी हमारे से बहुत बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं, तो सम्मान तो ज़रूरी होता है। और मेरी नंद बातें कर रही थी कि ये विका को गिफ्ट मिला था, हमारी जो एक बेटी है उसने अपनी शादी में अविका को गिफ्ट दिया था, उसमें हमारा सबका फ़ोटो लगा कर दिया था, बहुत सुंदर लगता है। आशु है उसका नाम, बहुत प्यारी लड़की है। और यहाँ पर हमने सर पे पल्लू इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जीजा जी हैं, बहुत बड़े हैं और सम्मान ज़रूरी है। और हम सभी ये बैठ कर यहाँ पर चाय पी रहे हैं और अभी का वीडियो बना रही है। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रखे हुए थे, तो जीजा जी से बोल रही थी मैं कि आप भी खा लीजिए। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ दीदी को साड़ी, वही यदुज के लिए जो मैं लेके आई थी उनकी कोथली के लिए, तो वही दिखा रही हूँ मैं कि आप देख लीजिए कौन सा कलर पसंद आ रहा है आपको। तो बेटा बोल रहा है कि बुआ जी आप तो इतनी सुंदर हो, आप पर तो येलो कलर अच्छा लगेगा। तो उनके लिए बता रही थी कि देख लीजिए आपको जो सा अच्छा लगे, सेम कलर साड़ी से जिस कलर चेंज था। ये मेरी दो बड़ी नंदियाँ, हम जाएंगे और दो छोटी नंदियाँ भैंसा जाएंगे, यानी कि शेप जाएंगे। ये भी इतनी सुंदर लगती है, ठीक है, प्यारी लगती है आज भी। और बहुत ही मेहनती है मेरी नंद, इतना काम करती हैं बहुत ज़्यादा। और अभी इनको शुगर की भी बीमारी है, उसके बावजूद भी ये हार नहीं मानती। शुगर भी इनका बहुत हाई पहुंच जाता है, 300-400 के करीब पहुंच जाता है, उसके बावजूद भी बहुत काम करती हैं, ये थकती नहीं है, हार नहीं मानती बिल्कुल भी, हमसे नहीं होता बल्कि इतना काम, ये तो बहुत काम करती हैं। तो दीदी जा रही हैं अभी और मैं धनतेरस की शॉपिंग के लिए आ गई हूँ मार्केट में। मुझे झाड़ू वगैरह लेनी थी, झाड़ू लेना था और धनिया और सामान भी लेना था, तो बर्तन भी लेना था। तो यहाँ पर मैं झाड़ू ले रही हूँ और जो सामान लेना था कलर वगैरह ये भी ले रही हूँ क्योंकि अविका को रंगोली बनानी थी, तो उसके लिए भी सामान ले लिया मैंने और दिए भी लेने थे। और ये गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी लेनी थी मुझे, तो ये भी ले लिया मैंने। देखिए मैं कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ लगी हुई थी यहाँ पर, बहुत अच्छी दुकानें, बहुत अच्छी मार्केट। ये देखिए ये दिखा रही थी, ये भी अच्छी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और ये डिब्बे में थी तो ये मुझे बहुत पसंद आई, फिर मैंने ये एक कपड़े लिए और एक ऑफिस के लिए ले ली थी, दो ली थी मैंने, तो ये मुझे अच्छी लगी, ये मैंने ले ली, बहुत अच्छी थी। और बर्तन भी लिया मैंने। तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। लेट जाएगी वीडियो इसलिए सॉरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। देखिए कितना सुंदर सजता है हमारा बाज़ार, यहाँ पर सेंट्रल मार्केट में बहुत सुंदर बाज़ार सजता है। और रात को तो इतना अच्छा लगता है कि आपको बहुत मन करेगा कि यहाँ से जाने का भी मन नहीं करेगा, इतना मन लगता है यहाँ की मार्केट में। और देखिए सारी दुकानें इस तरह से सजी हुई हैं, झालरें वगैरह सब चीज़ लगी हुई हैं, देखिए फूले फूल भी हैं और जो डेकोरेशन का सामान है वो भी सारा है। बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ पर, इतना सुंदर सजा हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मन करता है कि यहाँ से जाऊँ मत, यहीं पर रहो।
तो देखिए भीड़ भी है काफ़ी, यहाँ पे सब शॉपिंग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी मार्केट है ये, और जो चाहे वो मिल सकता है आपको यहाँ पे, सब सामान मिल जाता है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती लगती, हर सामान मिल जाएगा आपको। और देखिए कपड़े का भी, सब चीज़ का बाजार है यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखिए बुद्ध जी की मूर्ति भी है, कितने अच्छा डांस कर रहे थे, तो मैंने इनकी भी वीडियो बना ली। देखिए कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, और इतनी सुंदर सुंदर थी ना, जो मन कर रहा था देखते रहो, इतनी सुंदर लग रही थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर बर्तनों की दुकान पर आ गई हूँ मैं बर्तन लेने के लिए, तो बर्तनों के लिए देख रही थी कि क्या लेना है मुझे, तो मैं बोल रही थी कि क्योंकि मुझे बर्तन तो काफ़ी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि पूजा के लिए डब्बा ले लेती हूँ घी का, तो बस वही लेना था मुझे, और कुछ तो नहीं लेना था, तो छोटा सा डिब्बा ही लिया है मैंने, डब्बा जो होता है घी रखने का वही लिया है बस। और यहाँ पर देखिए ये भी आए हैं बुढ़िया के बाल वाले, सभी शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी अच्छी मार्केट है, गिफ्ट भी हैं और फ्लावर्स भी हैं, डेकोरेशन का सामान भी है, सब चीज़ का सामान है, बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और ये हमारे घर का है जहाँ पर हमने झालर लगाई हुई है, हमने तो नहीं लगाई, हमारे मकान मालिक ने लगाई है, नहीं लगाई है।